Now watch all the episodes only on Lehre app. देखिए, एक खासियत है हिंदुस्तानियों में, किसी को अपना उस्ताद नहीं मानना और ख़ुद अपना उस्ताद बनना। हम जो फिल्में शुरू की हैं ये विदेशी हैं, और ख़ास करके हमारा जो टीचर जिसको कहते हैं, अल्मा मेटर जिसको कहते हैं, वो है अमेरिकन फिल्म्स। ये मानना पड़ेगा, यहाँ तक कि अब हाल ही में आप पढ़े होंगे कि इतने बड़े आर्टिस्ट और डायरेक्टर सज्जित राय जो थे, उन्होंने भी कहा कि मैंने अमेरिकन फिल्म्स में मैंने सीखी है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर देखा जाए तो हम कोई नई चीज़ ईजाद नहीं किए, सब वही चीज़ करते आए। तो उस ज़माने में भी, साइलेंट के ज़माने में भी, ये अमेरिकन फिल्म्स यानी बहुत ही मशहूर थी, और ख़ास करके जैसे डगलस फेयरबैंक्स, रिचर्ड टॉलमेज, एडी पोलो, पर्ल वाइट, ये सब चीज़ें आर्टिस्ट थे उस ज़माने में। सीरियल्स में भी आते थे और फिल्म्स में भी आते थे। हमने ये सब चीज़ें वहीं से सीखी हैं। खैर, तो मेरे ज़माने में बहुत मशहूर आर्टिस्ट जो थे, एक डी बिलिमोरिया और सुलोचना, गोहर और राजा सैंडो, जयराज और जेबुन्निसा जिनको गिलबर्ट और गार्बो कहा करते थे, और नवीन चंद्र करके थे, सुनंद राम पहलवान। और मेरी हीरोइनों में ताजुब होगा, एक नाम आपको बताऊंगा कि आज भी वो हैं हमारे सामने और साथ हैं, जिनका नाम है महताब। मिसेस सुराब मोदी मेरी हीरोइन रह चुकी हैं साइलेंट के ज़माने में। और दौर ख़त्म हुआ, फिर नए नए लोग आने लगे, ख़ास करके स्टेज से बहुत से लोग आ गए, और आहिस्ता आहिस्ता फिर अपने सोशल, और इसकी मेरे ख़्याल में ईजाद की है दुर्गा खोटे ने। दुर्गा बाई ने पहले, ये पढ़ी लिखी औरत थी, ग्रेजुएट थी जो आई, उन्होंने उनका पहला था किंग ऑफ अयोध्या, जिसमें उन्होंने हीरोइन का काम किया। उसके बाद और भी आने लगे, शोभना समर्थ है, अपना लीला चिटनिस है, स्नेह प्रभा प्रधान, ये सब लोग आने लगे। और उसके अलावा भी बड़े बच्चे अच्छे आर्टिस्ट आए जिनके साथ मैं काम कर चुका हूँ, जैसे खुर्शीद है, सुरैया है, मधुबाला है। अब मैं अगर हीरोइन का नाम गिनाऊं तो मेरी तकरीबन 300 पिक्चरें बनी, जिसमें से 165 पिक्चरों का मैं हीरो रह चुका हूं। तो हीरो अगर हो तो, अगर रिपीट भी अगर किया जाए तो थोड़ी सी बात है कि 80-100 तो हीरोइन हुई होंगी मेरे सामने, काम कर चुकी हैं। दिव्या गरानी, नीना, वीना, ये सब मधुबाला, सुरैया जिस मैंने कहा, ये सब मेरी हीरोइन रह चुकी हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है, उस ज़माने में हमें पैसे कम मिलते थे लेकिन प्यार मिलता था। प्रोड्यूसर हो या डायरेक्टर हो, आर्टिस्ट हो, कुछ भी, हम हंसते खेलते काम करते थे जैसे कि एक ही परिवार के हैं हम, और खाना खाते थे। और एक बात और बता दूं, उस ज़माने में कोई प्रोड्यूसर एक चाय नहीं पिलाता था, चाय के पैसे भी हम ही देते थे, खाना भी हमारा घर से आता था, कोई पैसे नहीं देता था। आज तो खैर कि अगर मुझे चाहिए तो आप कहेंगे आप क्या लेंगे, तो मैं कहूँ भाई कुछ नहीं, चाइनीज़ खाएंगे आप, बिरयानी मंगवाओ, वो सब कुछ नहीं था उस ज़माने में, कुछ नहीं था। हमारे डब्बे आते थे, जैसे मिल के वर्कर्स थे उस तरह डब्बे आते थे, सब बैठ के हम खाते थे। तो वो प्यार आज देखता हूँ कि ज़रा कम है, और कभी कभी अफसोस होता है कि आपस में लड़ाइयाँ होती हैं। उस ज़माने में कुछ नहीं, एक तो लाइट्स नहीं थे हमारे ज़माने में, साइलेंट के ज़माने में हम सुबह आते थे 8:30 बजे, हाजिरी उजरी तो नहीं होती, स्टूडियो का काम नहीं होता तो चले जाते थे, तो वहीं बैठ के गपशप मारते थे या कुछ सीखते थे। उस ज़माने में जब लाइट्स आने लगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टूडियोज़ बनने लगी, साइलेंट स्टूडियोज़ बनने लगी, बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियाँ बनी, जैसे बॉम्बे टॉकीज़, न्यू थिएटर्स, प्रभात वगैरह, अच्छी कंपनियाँ बनने, अच्छी पिक्चरें बनती थी। इसमें एक बात बता दूँ आपको, अक्सर मुझसे कहा जाता है और मैं ये जवाब देता हूँ कि हमारी आज़ादी मिली 1947 में, उससे पहले मैंने काम किया है देविका रानी जैसे मशहूर आर्टिस्ट, वीना, ये लोग सब थे। तो हीरोइन के पास यानी शॉट के पहले उनका सिर्फ जो बाल बनाना होता, कंघी होती थी, बाल बनाया उन्होंने और आके तैयार हो गए। और हम जो हीरोज़ होते थे धोती पहनते थे, कुर्ता पहनते थे, पैजामा पहनते थे। मगर 1947 के बाद क्या हुआ मालूम है आपको, कि हमारे हीरोइंस के बुफोन आने लगे, फ्रॉक्स आने लगे, हीरोज़ ड्रेस सूट पहने। ये हमारा पोशाक नहीं है, इसमें कोई हिंदुस्तानियत नहीं है, इसका अफसोस।
इसको बार बार ख़ास करके मराठी प्रोड्यूसर्स जो थे, जितनी भी तस्वीरें वो बनाई हैं उन्होंने ऐसी नहीं बनाई कि जिसमें अंग्रेजियत हो। मैंने 4 मराठी पिक्चरों में काम किया है, 4 पिक्चरों में काम किया है, 1 पंजाबी पिक्चरों में काम किया है, और फॉरेन पिक्चर्स में मैंने परदेसी, 9 आवर्स टू रामा, माया, ये सब पिक्चरों में काम किया। लेकिन देखा गया कि कहा जाता है अक्सर कि भाई हीरो ने एक ऐसा ड्रेस पहना है, एक ऐसा कैरेक्टर है, बोले ऐसा जानवर तो किसी जंगल में नहीं है कि भाई हाथी के दांत है कुछ, यानी खरगोश के साले कान है, ऐसा कहाँ जानवर मिलता है। हमारे फिल्मों में कभी ज़रूर मिलता है साहब कभी कभी। तो आज जो पोशाक पहनते हैं करते हैं ये तो हिंदुस्तानियत नहीं है, इससे अफसोस होता है। इसको सारा फिर उन्होंने शुरू जो किया है वो थे सज्जित रे। उन्होंने जैसे हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी क्या ज़िंदगी है, हमारी भूख क्या है, हमारी हालत क्या है हमारी, ये तो ये पिक्चरें जो है। इसके बाद एक दौर आने लगा जिसको फैमिली ड्रामास कहते थे, वो आता था मद्रास से। फैमिली ड्रामास ज़्यादातर मद्रास से, हमारे यहाँ भी बनता था, VM व्यास करके थे, कई लोग थे, SM यूसुफ, ये इस किस्म की पिक्चरें बनने लगी। और फिर जब हिस्टोरिकल्स है या मैथोलॉजिकल्स हैं उसमें अपने सही हिंदुस्तानियत की झलक आती थी। अब खैर किसी तस्वीर में भी चले जाइए, बात यह है कि अगर मैं आज पुलिस ऑफिसर के यहाँ जाऊँ या पुलिस ऑफिस में जाऊँ और कहूँ यार मुझे एक रिवॉल्वर चाहिए मेरी सेफ्टी के लिए, वो कह लेंगे आप अर्जी तो दे दीजिएगा तो 3-4 साल के बाद आपको मिल जाएगा। मैं आज घर आके सोचता हूँ यार मैंने फलानी पिक्चर देखी, उसमें इतने मशीन गन थे, इतने पिस्टल थे, ये लोग कहाँ से लेके आए। ये एक सोचने की बात है। खैर तेनी हाँ मैं इतना ज़रूर कहूँगा, जो कुछ भी अपने आर्टिस्ट करते हैं, डायरेक्टर्स करते हैं इंडस्ट्री में, यानी आज थिएटर्स भी बढ़ गई हैं, वीडियो की कंपटीशन भी आ गई है, फिर भी हमारी पिक्चरें चलती हैं। और हिंदुस्तान के जो आर्टिस्ट हैं, टेक्नीशियंस हैं हमारे, जो भी हैं दुनिया से किसी कोने से कोने में या दुनिया के किसी आर्टिस्ट से कम नहीं है, ये मेरे मुझे फ़ख्र है। और मैं यही कहूँगा कि हमारी इंडस्ट्री बहुत तरक्की कर गई है। शुक्रिया। देखिए हमारे ज़माने में एक गुजराती मैगज़ीन था जिसका नाम था मौज मजा, और एक इंग्लिश मैगज़ीन थी जिसका नाम था मूविंग पिक्चर मंथली, और कलकत्ते में एक फिल्म लैंड एक मैगज़ीन था। ये 3 मैगज़ीन थे, और तस्वीरें स्टूडियो वाले देते थे और स्टूडियो की जो जो खबरें थी उसमें छपती थी, और प्राइवेट लाइफ का कोई जिक्र नहीं होता था। मगर फिर भी उस ज़माने में भी क्या होता था कि हीरोइन की तस्वीर छपती थी, हीरो की ज़रा कम छपती थी, हालांकि हीरो की पिक्चरें चलती थी। तो मैं क्या करता था कि हीरोइन खड़ी है, हीरोइन की तस्वीर लेनी है, तो मैं उसके पीछे खड़ा रहता था ताकि मुझे काट के अलग ना करें, तो ये मैं ज़रूर करता था। खैर उसके बाद अरसा गुज़र गया, आज हम कभी चले जाते हैं न्यूज़ एजेंट के पास तो इतनी खूबसूरत मैगज़ीन्स पड़ी हुई हैं, सिनेब्लेड्स, मूवी, स्टारडस्ट, बहुत हैं। पढ़ने के बाद क्या मिलता है, सिर्फ ये है कि कुछ खून का जो दौर है थोड़ा सा गर्म होता है और यहाँ की वहाँ की खबरें पढ़ते हैं, लेकिन इससे हमारे काम के ऊपर क्या असर होता है वो देखना पड़ता है। मगर अगर आप शायद मुश्किल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, रिज़र्व बैंक से पैसे नहीं मिलते हैं, फॉरेन मैगज़ीन्स जैसे हैं, साइट एंड साउंड है, फिल्म्स एंड फिल्मिंग है, ये सब मैगज़ीन्स वहाँ से आती हैं, सिनारियो वगैरह और किताबें छपती हैं, तो उसमें हमारे काम के बारे में, जैसे अमेरिकन सिनेमाटोग्राफर है, कैमरामैन के लिए ख़ास, जैसे मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे द्वारका दिवेचा, या अपना ये फली मिस्त्री, ये लोग जाल मिस्त्री रख सकते, मेरे दोस्त थे क्योंकि मैं भी एक टेक्नीशियन था, तो वो लोग पढ़ते थे, वो सारे मंगवा के पढ़ते थे तरक्की कैसे हो रही है, कैमराज कैसे हो रहे थे। हमारे ज़माने में कैमरा तो हाथ से ही चलाया करते थे। तो एक डायरेक्टर की बात बताऊँ तो कैमरा 16 फ्रेम के ऊपर चलाते थे, तो फाइट जब आए तो वो कैमरामैन थे वो, तो ज़ोर से घुमाए गर्मी आ जाए उनको,
तो फिर उसमें क्या होता था, हमारा फाइट तो यूँ हो जाता था स्लो मोशन। तो फिर हमने कहा यार ये कैसे चलेगा, बोले मैं कैमरा आँख बंद कर लेता हूँ, कैमरा क्रैंक करता हूँ, मुझे देखना नहीं चाहिए और तुम लोग जो करना है करो। तो फिर वो अपना वो करते थे, तो ये इस तरह के कैमराज हुआ करते थे। फिर उसके बाद मोटर आया, यानी लकड़ी के कैमरा होते थे उस ज़माने में। फिर उसके बाद अस्कानिया आया, डेबरी आया, बेलन हवल कैमराज आए, फिर मिचेल आया, सब कैमरा अलग अलग आने लगे। साइलेंस, पुराने ज़माने में साइलेंट कैमराज नहीं थे तो उसके ऊपर गदले डालते थे और बोले भाई सर्दी लग रही है कैमरा को गदले डाल दो, तो साइलेंट ऐसा होता था। और डबिंग नहीं था उस ज़माने में, जैसे अभी तरक्की हुई है। जैसे अक्सर मैं कहा करता हूँ कि दो किस्म के राक्षस हमारे लाइन में आ गए, एक था कैमरा और एक था साउंड। आज ऐसे कैमराज आ गए हमारे पास, आप एक छोटे कमरे में भी शूटिंग कर सकते हैं, स्टूडियो में भी शूटिंग कर सकते हैं, जिसका नाम है एरीफ्लेक्स और नागरा साउंड। आप टैक्सी में लेकर जा सकते थे, उस ज़माने में तो एक ट्रक चाहिए था कैमरा और साउंड, क्योंकि इतना बड़ा तो साउंड का रिकॉर्डर हुआ करता था, इतना बड़ा माइक्रोफोन हुआ करता था। अब तो तरक्की की बात है, इस तरह तरक्की होने लगी और आज हमारे पास बड़े अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसे हम काम करते हैं। तो ये एक तरक्की हुई है हमारे। अच्छा जरा ये बताएं, जब आप हीरो थे तो उस जमाने में भी रूमर होता था या आपके स्कैंडल्स होते थे कि किसका चक्कर किसके साथ चल रहा है सब? हाँ, ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा कि देखिए इंसान की फितरत होती है, लोगों के साथ काम करते हैं तो एक किस्म की दोस्ती ज़रूर होती थी, मगर इज्जत करते थे हम एक दूसरे की। क्योंकि अगर मैं किसी लड़की से इश्क करूं, कल उसकी शादी हो जाए तो उसकी बदनामी होगी अगर मेरे साथ कोई अफेयर होता। सिर्फ हम सुबह आते थे शूटिंग, शाम को चले जाते थे, पिक्चर देखते, किसी से कोई ताल्लुक नहीं होता था। बस जितना हमारा ताल्लुक होता था वो स्टूडियो में हंसी खेल होता था और चले जाते थे। और ऐसी बातें होती भी थी तो एक पर्दादारी थी जिसमें एक इज्जत, दूसरे आर्टिस्ट की इज्जत हुआ करती थी। आज ज़माना ऐसा बदल गया कि डिस्को है, ये है, वो है, डांसेस हैं, म्यूज़िक है, तो नेचुरली स्कैंडल्स तो होंगे, मगर उससे किसका फ़ायदा होता है? पढ़ने वालों को सिर्फ क्या है कि एक जैसे इंसान की फितरत है कि क्यूरियोसिटी जिसको कहते हैं, भाई उसका क्या हुआ, वो फलाना कहाँ गया है, फलाना इधर गया है, वो ये देखने के लिए 15 रुपये दे के मैगज़ीन लेके आते हैं आप, एक घंटे दो घंटे में पढ़ के, फिर उसके बाद पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है उसमें। अगर तस्वीरें जो हैं उसमें निकलती हैं तो पान वाले क्या लगा देते हैं भाई, आर्टिस्ट की जो तस्वीरें लग जाती हैं। तो जिसको ये इस किस्म की मैगज़ीन्स फॉरेन कंट्रीज़ में भी होते हैं, इसको फ़ैन मैगज़ीन्स कहते हैं। इससे सीखने के कुछ नहीं, ये ख़बरें देते हैं, अच्छी ख़बरें दें तो अच्छी बात है, अब बुरी ख़बरें दें तो भी अच्छी बात है। इसलिए जिसको बुरा सुनना है वो बुरा सुनेगा, बुरा पड़ेगा, और तो कुछ फ़र्क नहीं है। ये आजकल तरक्की हुई है, लेकिन प्रिंटिंग फ़ख्र इस बात की है मुझे आज के मैगज़ीन्स के ऊपर कि प्रिंटिंग वैसे ही होता है जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में होती है। उतनी अच्छी मैगज़ीन हमारे हर यानी डिपार्टमेंट में, आर्किटेक्चर कहो, आर्ट कहो, यानी न्यूज़ कहो, हर चीज़ में तरक्की ज़रूर की है। लेकिन फिल्म की जो है, जो काम की मैगज़ीन है, वो बहुत कम है। देखिए इसमें एक बात और है, 300 के ऊपर नीचे मेरी फिल्में हुई हैं, लेकिन कई फिल्में बन के पड़ी हैं जो रिलीज़ नहीं हुई है, कोई अधूरी पड़ी हैं, तो ये मैं गिनूंगा नहीं। लेकिन जो पिक्चरों में मैंने काम किया है और रिलीज़ हुए हैं वो 300 के करीब हैं, और हर भाषा में मैंने की है, मराठी, गुजराती, पंजाबी, भोजपुरी, इंग्लिश और इंडो रशियन फिल्म में भी मैंने काम किया है। तो आर्टिस्ट जो होता है उसको काम का शौक़ होता है, ये नहीं कहे कि भाई देखो मेरे पैसे रख दो तो मैं कल शूटिंग पे आऊँगा, नहीं तो मैं नहीं आऊँगा। ये हमारे ज़माने में नहीं था, क्यों? किस महीने के बाद तनख्वाह मिलती थी, और वो भी हम कहते थे यार रख लेना तुम्हारे पास ही, नहीं तो खर्च हो जाएंगे, तो वो हम आगे वो पीछे, कभी कभी बॉम्बे टॉकीज तक यही बात होती रही, भाई तनख्वाह ले जाओ तुम,
अरे मैंने कहा यार रख लो, अरे भाई कितने दिन मैं रखूँ, ले जाओ भाई घर जाके खर्च करना ही है ना हमें, तो इस किस्म की बातें होती थी। अब तो खैर ज़माना बदल गया है, कोई शिकायत नहीं। आप विदेश में कहाँ कहाँ गए? मैं रशियन स्टूडियोज़ में काम किया हूँ, इंग्लिश स्टूडियोज़ में काम किया हूँ, और ऐसे तो मैं सारा यूरोप घूम चुका हूँ, और स्टूडियोज़ और बड़े बड़े फेमस डायरेक्टर से मेरी मुलाकात हुई, जैसे अल्फ्रेड हिचकॉक और अपना रशियन डायरेक्टर्स कई मिले मुझे, और आर्टिस्ट मिले जैसे लॉरेंस ओलिविया, ये बड़े आर्टिस्ट, सबसे मिलने का मौका मिला। लेकिन एक बात ज़रूर कह दूँ, स्टेज हो या स्क्रीन हो या वीडियो हो, ये हमारी एक ज़ात है जो बाहर वाले नहीं समझते कि हमारी मुसीबतें क्या है, हमारी तकलीफ़ क्या है, हमारी ख्वाहिश क्या है, हमारी खुशी क्या है, ये नहीं समझते। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारा एक परिवार है, दुनिया भर में एक ही परिवार है, जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स हैं उनके यहाँ भी है, ये कोई अलग बात नहीं है। ये जिसको कहते हैं शो बिज़नेस के हमारी एक ज़ात है, जिसके लिए मैं भी उनमें से एक हूँ, और मुझे फ़ख्र है कि किसी मुल्क में भी आप जाएंगे शो बिज़नेस वही है जो आज यहाँ हमारे यहाँ है। आप अभी भी फिल्मों में बदस्तूर काम कर रहे हैं? देखिए जी, मेरा ऐसा है कि फीचर फिल्म्स तो नहीं आते हैं, क्योंकि ये सूरत या शक्ल को काफ़ी देख चुके हैं, वो कहते हैं कि भाई क्या करें, और वो शायद पैसे मांगे सस्ते में मिल जाते हैं तो ठीक है। तो मैंने कहा कि देख भाई, मैंने घर में एक दुकान खोल ली है, मिर्ची है, हल्दी है, नमक है, सब चीज़ें, चाय है, सब कुछ है, जिसको चाहिए ख़रीद के लेके जाए, मेरा दुकान तो खुला है, दरवाज़ा मेरा खुला है। और रही बात वीडियो की, मैंने कहा कि अगर वीडियो में एक 5-6 एपिसोड में एक कैरेक्टर ना हो तो लोगों को याद नहीं रहता, तो इसके लिए मैंने कहा कि वीडियो जो है 1-day क्रिकेट मैच है, और फिल्म जो है 5-day टेस्ट मैच है, तो याद रहता है कि कौन कितना खेला, कितने रन बनाया, क्या किया, ये सब चीज़ें याद रहते हैं। और कोई ऐसी बात जयराम साहब आप जो कहना चाहते हो? एल्बम शूट करते हैं बाद में, बाद में करते हैं, तो और कोई ऐसी खास बात, क्योंकि आपकी बातें बहुत मीनिंगफुल भी हैं और इंटरेस्टिंग भी हैं, तो अच्छा। नहीं, बात ये ज़रूर कहूँगा, आप इज इट ऑन, इज ओके, इट्स लाइक द इंग्लिश फिल्म शूटिंग जो यूनिट आया था ना, दे डोंट कट बिकॉज रॉ स्टॉक से उनको कोई मतलब नहीं, इट गोज ऑन, सो द आर्टिस्ट इज वेरी नेचुरल व्हेन ही इज स्पीकिंग। तो भाई इतना ज़रूर कहूँगा, ज़िंदगी में जिन्होंने मुझे लाइन में चांस दिया, बड़े अच्छे लेखक थे एक मामा वरेरकर और इंदुलाल याग्निक जो गुजरात के मिनिस्टर थे, तो उन्होंने एक बात कही कि देखो बेटा, फिल्म एक चीज़ है, मकान एक चीज़ है, अगर तुम संसार बनाओगे जब, तो क्या है कि ये फाटक अलग है, फाटक के अंदर तुम जयराज हो, फाटक के बाहर एक्टर जयराज हो। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि स्टारडम मिल जाए, मिल भी जाता है, लेकिन एक अच्छा एक्टर बनने की कोशिश कीजिए। तो ये मैंने याद रखी है कि भाई ये चीज़ उन्होंने सिखाया मुझे, उपदेश दिया, और वही मैं कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ, और जो आप देख रहे हैं मैं वही हूँ, जयराज एक्टर और जयराज द मैन। आप